दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेटीएम से डीटीएच रिचार्ज कैसे करते हैं। अगर आप अपने पेटीएम से डिश टीवी रिचार्ज करना चाहते हो, एयरटेल, सन डायरेक्ट, टाटा स्कार या फिर वीडियोकॉन, तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ पेटीएम से डीटीएच रिचार्ज करने का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि पेटीएम से डीटीएच रिचार्ज कैसे करते हैं, उसमें हमको कैशबैक कैसे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेटीएम से डीटीएच रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पेटीएम से डीटीएच रिचार्ज करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स का ऑप्शन है जिसमें आपको दिख जाएगा डीटीएच रिचार्ज, तो इसको आपको ओपन करना है। इसको जैसे ही ओपन करोगे, अगर आपने अपने पेटीएम से पहले कोई डीटीएच रिचार्ज किया था तो वो पहले से ही यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि हमने वीडियो कॉन डीटीएच का रिचार्ज किया था। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो न्यू डीटीएच रिचार्ज पर क्लिक करना है यहाँ पे नीचे। अब न्यू डीटीएच रिचार्ज पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे काफी सारे यानी कि जो ऑपरेटर है वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब जिस भी डीटीएच का आप रिचार्ज करना चाहते हो पेटीएम का, उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप एयरटेल का रिचार्ज करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करना है, डिश टीवी का ऑप्शन है, सन डायरेक्ट का ऑप्शन है या फिर दोस्तों यहाँ पे टाटा स्काई या फिर डीटीएच का ऑप्शन है। तो जिस डीटीएच का आप रिचार्ज करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप डिश टीवी का करना चाहते हो उसको करना है, मैं फिलहाल डीटीएच का कर रहा हूं तो इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह आ जाएंगे। तो जो भी डीटीएच है सारे के सारे डीटीएच में सेम प्रोसेस है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बोलता है रजिस्टर मोबाइल या फिर आपकी सब्सक्राइबर आईडी डालना है। अगर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करके रखे हो तो उससे भी कर सकते हो, और सब्सक्राइबर आईडी डालना है तो उससे भी कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे अपने आईडी डाल देते हैं, पेस्ट करते हैं। आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप कितने का रिचार्ज करना चाहते हो। फिलहाल तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 100 डाल देता हूँ। आप जितना चाहते हो उतना कर लीजिए, 200, 300 आपकी मर्जी है। जितने का भी आप डीटीएच रिचार्ज करना चाहते हो उतना अमाउंट डाल देना है। अब अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे बोलेगा नेक्स्ट। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोमो कोड अप्लाई करने के लिए कहेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद फिर से प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे अगर आप अपने पेटीएम वॉलेट से डीटीएच रिचार्ज करना चाहते हो तो पेटीएम वॉलेट को सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड करके रखे हो तो बैंक अकाउंट से कर सकते हो। अगर आपके पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिलहाल हमने बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है तो बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना पासकोड डालेंगे। पासकोड डालने के बाद यहाँ पे पे पर क्लिक करेंगे। पे पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरह का होगा, यहाँ पे रिचार्ज रिसीव, पेमेंट रिसीव, इस तरह का प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे आपका डीटीएच रिचार्ज हो जाएगा। अब जो हमने डीटीएच रिचार्ज किया है हमारा डीटीएच भी रिचार्ज हो चुका है और उसमें हमको कैशबैक भी मिला है। जी हाँ, अगर आपने डीटीएच रिचार्ज किया है और उसमें आपको कैशबैक मिला है तो वो देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आना है, ठीक है। बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, होम पेज पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैशबैक एंड ऑफर, इस यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देख सकते हो हमको कैशबैक भी मिला है, तो इसको आपको स्क्रैच कर लेना है। जो भी कैशबैक आपको मिला है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पेटीएम से डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो, उसमें आपको कैशबैक भी मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नई वीडियो में।